हेलो चिल्ड्रन इन वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस क्या होता है तो डेटा बेस क्या है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज कलेक्शन मीन्स हमने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ स्टोर है कहीं पे कुछ स्टोर है नहीं एक 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 पर्टिकुलर ऑर्डर में राइट right? जैसे आपकी मार्कशीट आती है ओके okay? मार्कशीट में क्या होते हैं एक एक फॉर्मेट होता है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स डिफरेंट कॉलम में होते हैं थॉर्टिकल मार्क्स डिफरेंट कॉलम्स में होते हैं राइट right? तो ऐसे ही जब डेटा बेस क्रिएट करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं राइट एंड दैट डेटा कैन बी एक्से इलेक्ट्रॉनिकली और वो डेटा क्या होता है एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है राइट right? तो आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर्स आपके आईपैड्स मोबाइल फोन्स ओके तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप क्या कर सकते हो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो राइट right, अब समझ आया डेटाबेस क्या है डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ़ डेटा कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसा नहीं कि आपने आ, एक कॉलम कहीं और स्टोर कर दिया है सेकेंड कॉलम किसी और फाइल में स्टोर नहीं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइज वे में राइट right? ओके okay? और आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो राइट नाउ अ डेटा बेस इज डिजाइन एंड बिल्ड टू सर्व अ स्पेसिफिक परपज एज नीडेड बाई अ ग्रुप ऑफ यूजर्स राइट अब डेटाबेस बनाते क्यों है क्या जरूरत है डेटा बेस बनाने की डेटा बेस को हम डिजाइन करते हैं और बनाते हैं किसके लिए लोगों की नीड के अकॉर्डिंग राइट ओके देखो अ डेटाबेस डिजाइन एंड बिल्ट टू सर्व अ स्पेसिफिक परपज एज नीडेड बाई अ ग्रुप ऑफ यूजर्स ओके यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा बेस क्रिएट करते हैं राइट right. जैसे आपके स्कूल में होता है स्कूल डेटाबेस होता है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका फ़ीस का डेटाबेस होता है कि हु हैज़ सबमिटेड द फीस हु हैज़ नॉट सबमिटेड द फीस मंथ वाइज ओके मंथली रिकॉर्ड इज़ देयर एंड आपके um, आपका पूरा जो आपके पर्टिकुलर्स होते हैं उनका डेटा बेस होता है कि वो व्हाट इज़ योर एड्रेस व्हाट इज़ योर नेम वट इज योर फादर्स नेम वट इज योर मदर्स नेम वट इज़ योर एनरोलमेंट नंबर एंड एवरी थिंग इज देयर ओके तो क्या होता है ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेस होते हैं आपके एनरोलमेंट नंबर से ही सिर्फ टाइप करने से डेटा बेस से क्या आता है आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है कि वट इज़ योर फादर नेम ओके इन विच ईयर यू ज्वाइन दिस स्कूल ओके तो क्या होता है हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं वो क्या किस लिए बनाते हैं एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए बनाते हैं राइट ओके स डिजाइंड डेटा बेस कैन बी इंप्लीमेंटेड इन मेनी फॉर्म ओके अभी क्या कह रहा है एक बार आपने डेटा बेस को डिजाइन कर लिया आप उसको किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके पास डेटा बेस है आप उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसको फॉर्म की डिजाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप रिपोर्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो राइट तो किसी भी फॉर्म में आप अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो राइट अब यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के कुछ एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग सिस्टम्स है राइट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है आपका जो भी आपने मनी uh, ट्रांसफ़र किया है विड्रॉल किया है उसका पूरा का पूरा डेटा बेस बना होता है राइट right? ओके okay? तो अगर ऐसा है कि आपने थाउजेंड uh, रुपीस विड्रॉ किए हैं तो क्या होता है आपके डेटा बेस में से आपकी मनी के अमाउंट में से वो कट हो जाता है राइट ओके एंड वो क्या होता हो जाता है अपडेट हो जाता है फाइन तो अगर आप बैंक में जाओगे आफ्टर विड्रॉल ऑफ योर मनी तो हाउ वट यू विल सी कि जितने आपने पैसे निकाले थे उतने डिडक्ट हो चुके हैं राइट कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड्स ऐसे ही आप जब मै uh, कहीं पर भी हॉस्पिटल्स uh, में जाते हैं तो आपके पास फाइल्स होती है मेडिकल फाइल्स ओके उस उस पे नंबर्स होते हैं कुछ जिस जिस जिसको टाइप करने से पता चल जाता है कि आप जो जो आपका मेडिकल इशू है वो क्या है ठीक है विच डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ योर मेडिकल इशू ठीक है कौन आपको देख रहा है कौन से डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है वो सारा रिकॉर्ड्स होता है राइट ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन आप जब शॉपिंग करते हो ओके okay, तो वहाँ पे सारा डेटा बेस बना होता है अबाउट द प्रोडक्ट्स देयर प्राइजेस एंड एवरीथिंग राइट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लाइब्रेरी में आपका डेटा बेस होता है बुक नंबर से द लाइब्रेरियन गेट्स टू नो कि किस सेल्फ के अंदर कौन सी बुक है राइट right? जैसे लाइब्रेरीज जहाँ पे बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी हेल्प से लाइब्रेरियंस क्या करते हैं दे गेट टू नो कि कौन सी सेल्फ में कौन सी बुक रखी हुई है कौन सी बुक उन्होंने इशू की है कौन सी बुक दे हैव गॉट बैक कौन सी बुक उनको वापस मिल गई है राइट right? तो एवरी इज देयर ओके आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डेटा तो हमने क्या डेटा बेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप कोई भी लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो रियल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हो और आप यहाँ से भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो बैंकिंग सिस्टम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वट एवर यू वॉन्ट टू गिव राइट तो अब आप आपको ये समझ में आ गया कि डेटाबेस होता क्या है राइट डेटा और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है A database is an organized collection of data stored and accessed electronically. तो डेटाबेस क्या है एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का जिसको आप स्टोर करते हो और एक्सेस करते हो इलेक्ट्रॉनिकली राइट यहाँ पे आप डेटाबेस को कहा स्टोर uh, करते हो आप डेटाबेस को स्टोर करते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करता है राइट right? और जहां पे आप अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम कलेक्शन ऑफ रो डेटा इन हार्ड ड्राइव। तो फाइल सिस्टम क्या है, है फाइल तो वह, वो कहा जाके स्टोर हो जाती है वो हार्ड ड्राइव में जाके स्टोर हो जाती है यहाँ पे फाइल के स्टोर होने का कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे डेटा एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर नहीं होता है राइट

दूसरे टेबल से क्या रिलेशन है ये क्या है आपका लॉजिकल एक्सेस ओके फाइल सिस्टम मैनेजेस ओनली द फिजिकल एक्सेस फाइल सिस्टम के केस में आप सिर्फ फाइल को फिजिकली एक्सेस करते हो आपको ये यह, यहाँ पे ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ क्या लिंक है राइट right? डेटाबेस मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी डेटाबेस क्या करता है डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है अगर आप डेटा को मान लो एक डेटा सिमिलर डेटा है टू या थ्री टेबल्स के अंदर अगर आप उस डेटा को अपडेट करते हो तो जितने भी टेबल्स हैं लिंक्ड हैं वो क्या होंगी वो डेटा वहां पर भी अपडेट हो जाएगा राइट right? तो यहाँ पे क्या होता है डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है डेटाबेस के अंदर पर फाइल सिस्टम के अंदर क्या है इट हैज हाई डेटा इनकंसिस्टेंसी अगर मान लो दो फाइल्स हैं ओके तो दो फाइल्स सेम दो सेम फाइल है राइट कॉपी है एक एक फाइल है मेन ओरिजिनल और एक उसकी कॉपी है आपने कॉपी में चेंज कर दिया पर आपने मेन फाइल में चेंज नहीं किया तो यहाँ पे क्या होता है ये क्या इस इससे क्या होता है डेटा इनस इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है ओके अब डेटाबेस के केस में क्या होता है जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है वो इस चीज को मेंटेन करके चलता है कि अगर आपने कहीं पर भी डेटा में कोई भी चेंज किया है तो ओवरऑल जहां-जहां वो डेटा है उसमें वो चेंज हो जाए पर फाइल सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए अगर एक फाइल है उसकी कॉपी है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से फाइल सिस्टम के अंदर डेटा इनकंसिस्टेंसी बहुत जाता है डेटाबेस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉम्प्लेक्स डेटाबेस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल सिस्टम इज सिंपल फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर सिंपल होता है इन केस ऑफ़ डेटा शेयरिंग इज़ इजी आप डेटा को शेयर कर सकते हो वाया नेटवर्क ऑल्सो ओके एंड इन फाइल सिस्टम डेटा शेयरिंग इज नॉट इजी यहाँ पे आपको फाइल को लोकेट करना पड़ता है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है ओके okay? और एक एक करके आप फाइल को शेयर करोगे राइट right? तो यहाँ पे फाइल सिस्टम में डेटा शेयरिंग इजी नहीं है और डेटा बेसर क्या होता है पूरा जो कंप्लीट डेटा होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऑर्गेनाइज वे में होता है तो वहां पे डेटा शेयरिंग क्या होती है इजी होती है ओके देयर इज लो रिटेंडेंसी डिटेंडेंसी क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा राइट डेटा बेस के केस में जब आप डेटा बेस बनाते हो तो वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है कि आप डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं कर सकते ओके okay? तो ये क्या करता है ये रिटेंडेंसी को अवॉइड करता है राइट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पे क्या है देयर इज हाई रिटेंडेंसी डेटा बार बार रिपीट हो सकता है ओके okay? डेटा बेस इज मोर सिक्योर डी बी एम एस सिस्टम क्या होता है कुछ अपने वहां पे कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से डेटा सिक्योर होता है राइट right? जैसे आपको डेटा बेस आप तभी एक्सेस कर सकते हो अगर आपको अथॉरिटी मिली हुई है उसको एक्सेस करने के लिए आपको यूजर आई डी मिला हुआ है या पासवर्ड मिला हुआ है लाइक दिस राइट फाइल सिस्टम क्या नॉट वेरी सिक्योर अगर आपने फाइल में पासवर्ड या कुछ नहीं लगाया है तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है राइट right? इन केस ऑफ डेटा देयर इज बैकअप रिकवरी रिकवरी का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है राइट डेटाबेस केस में इन केस ऑफ फाइल सिस्टम नो बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है या वो करप्ट हो जाती है तो यहाँ पे बैकअप या रिकवरी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है राइट right? डेटा मॉडल को रिलेशनल डेटा मॉडल भी कहा जाता है ओके रिलेशनल मॉडल वॉज प्रपोज बाई कोड ऑफ आई बी एम मॉडल को ई एफ ने प्रपोज किया था उसका सजेशन दिया था ओके रिलेशनल मॉडल बताता है इट टेल्स अस हाउ वी कैन स्टोर डेटा इन अ डेटा बेस हम डेटा बेस के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं ओके एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेटा मॉडल इससे पहले भी और डेटा मॉडल्स आए थे लाइक हिरारिकल डेटा मॉडल नेटवर्क डेटा मॉडल बट दे वर हैविंग सम ड्रॉबैक्स ओके सो नाउ अ डेज वी आर फॉलोइंग रिलेशनल डेटा मॉडल टू स्टोर डेटा इन द डेटा बेस राइट ओके इन रेशनल डेटा मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स रिलेशनल डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं ओके ओके रिलेशनल डेटा मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स कि डेटा में आप डेटा uh, को किस फॉर्म में स्टोर कर, कर, करते हो किस फॉर्म में स्टोर करोगे टेबल्स की फॉर्म में ओके और टेबल्स किस कैसे बनते हैं टेबल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओके दीज आर द रोज हॉर्जोटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स राइट दीज टेबल्स आर कॉल रिलेशंस ओके और इन टेबल्स को क्या कहा जाता है रिलेशंस टेबल को रिलेशन क्यों कहा जाता है क्योंकि ऑल द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस आर रिलेटेड टू ईच अदर ओके देखो दिलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर ओके जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट डेटा बेस बना रहे हैं तो स्टूडेंट डेटाबेस में आप जितनी भी टेबल्स स्टोर करोगे वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स उन सब के अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल्स होंगे राइट तो ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डेटा बेस डेट्स वेबल्स आर कॉर्ड एज रिलेश रिलेशन कहा जाता है राइट रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी रिलेशनल मॉडल में जो जो टर्म्स यूज होते हैं वी आर गोइंग टू सी देम ओके तो द फर्स्ट टर्म इज एंटिटी सबसे पहले जो टर्म रिलेशनल मॉडल में यूज होती है वो है एंटिटी राइट न व्हाट इज एंटिटी एंड एंटिटी इज समथिंग दैट एक्सिस्ट एंड अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन एंटिटी वो चीज़ है जो प्रेजेंट है जो एग्जिस्ट करती है और जिससे जिसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ओके अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन जिसकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आइंटिटी स्टूडेंट आइनटिटी स्टूडेंट से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट फादर्स नेम मदर्स नेम फी डिटेल एंड ऑल सो मैनी

से ही रिलेटेड हम टेबल का नेम रखते हैं जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट का डेटा है तो हमने टेबल का नेम क्या यहाँ पे आ, आ, रखा है स्टूडेंट रिलेशन राइट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल राइट नाउ नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट नाउ वट आर एट्रीब्यूट ओके कॉलम्स इन टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं ओके okay, उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और फील्ड राइट द वैल्यूज इन ईच कॉलम आर ऑफ सेम टाइप सेम डेटा टाइप अब एट्रीब्यूट की क्या क्वालिटी है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्टिकुलर कॉलम में सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे आप राइट मतलब एक एट्रीब्यूट क्या करता है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है लाइक स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट आईडी में क्या है सारे नंबर्स हैं देन वी हैव द नेम नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या है uh, आपके स्ट्रिंग वैल्यूज है कैरेक्टर्स हैं फोन फोन के अंदर अगेन नंबर्स हैं डीओबी देन आपका डेट डेटा टाइप इसमें यूज हुआ है फाइन ओके okay. तो जो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है वो वन वन टाइप टाइप डेटा की वैल्यू स्टोर कर सकता है आप फोन जैसे आप एग्जांपल लो फोन के अंदर ये तो नहीं है आपने फर्स्ट जो इसका कॉलम है उसके अंदर आपने नंबर्स कर दिए फिर सेकंड में आपने क्या किया करेक्टर्स डाल दिए ए बी सी डी नो इट विल नॉट लेट यू एंटर द ए बी सी डी राइट ओके फॉर एग्जाम्पल हेयर स्टूडेंट रिलेशन कंसिस्ट ऑफ फोर फील्ड और एटीब्यूट स्टूडेंट आई डी नेम फोन नंबर एंड एनडीओ बी ये बता रहा है कि यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट रिलेशन हमारे पास है स्टूडेंट रिलेशन मीन स्टूडेंट टेबल ओके उसके अंदर फोर एट्रीब्यूट्स हैं फोर एट्रीब्यूट यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी नेम फॉर्म एंड डी ओ बी ओके तो इसके यहाँ पे फोर एट्रीब्यूट है ओके okay? तो यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं टेबल्स के कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं फील्ड्स भी बोल सकते हो आप और कॉलम्स भी बोल सकते हो राइट सो इट हैज थ्री नेम्स ओके एंड दे आर वर्टिकल ऑलवेज रिमेम्बर कॉलम्स आर वर्टिकल एंड दे कंटेन डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप एक पर्टिकुलर कॉलम में सेम डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे फाइन नाउ वी हैव है ओके ईच रो इन द टेबल इज नॉन एज टपल टेबल के अंदर जो रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं टपल बोलते हैं ओके कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं और रोज को क्या कहते हैं टपल राइट इट इज ऑल्सो रो और रिकॉर्ड ओके और हम टपल को रो भी बोल सकते हैं और रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं राइट अ रिकॉर्ड इन अ अ टेबल रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रिलेटेड डेटा से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड है ये आपका रिकॉर्ड वन है इसके अंदर मेट का रिकॉर्ड है नेम ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मेट एंड स्टूडेंट आई डी ऑफ मेट इज दिस फोन नंबर इज दिस डीओबी तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया कंप्लीट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट हो गया मेट का ओके ओके फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट टेबल हैज फोर रिकॉर्ड्स तो ये बता रहा है यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं फोर रिकॉर्ड्स हैं राइट ओके तो इट हैज फोर एट्रीब्यूट्स दिस स्टूडेंट रिलेशन हैज फोर एट्रीब्यूट्स एंड फोर रिकॉर्ड्स और फोर टपल्स राइट और फोर टपल्स फाइन नेक्स्ट वी हैव कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन कार्डिनलिटी क्या होता है मतलब टेबल की कार्डिनलिटी क्या होता है ओके द द नंबर ऑफ ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी टेबल के अंदर जितने टपल्स होते हैं ओके okay, उसको क्या कहा जाता है उसको टेबल की कार्डिनलिटी कहा जाता है ओके एंड वी नो इट वेरी वेल के टेबल को रिलेशन कहा जाता है राइट right? एग्जाम्पल द कार्डिनेलिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेशन इज फोर तो स्टूडेंट रिलेशन की कार्डीलिटी क्या है फोर है फोर क्यों है क्योंकि इसके अंदर रोज कितनी है फोर तो so, इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या है फोर कार्डीनलिटी फोर क्यों है क्योंकि नंबर ऑफ टपल्स इनर टेबल इनर रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन ओके डिग्री ऑफ रिलेशन ठीक है एक टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं ओके okay? और यू कैन से जितने एट्रीब्यूट होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है उनको डिग्री ऑफ ऑफ टेबल और यू कैन से डिग्री ऑफ रिलेशन कहा जाता है राइट right? तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं आई डी वन कॉलम नेम टू फोन थ्री एंड डीओबी फोर तो यहाँ पे डिग्री स्टूडेंट रिलेशन की डिग्री क्या है फोर ठीक है तो डिग्री क्या होती है जितने कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर और यू कैन से रिलेशन के अंदर उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशन Fine? Now we have domain of relation. Domain क्या मीनिंग है टेबल okay, के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर डोमेन होता है डोमेन क्या होता है डोमेन एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है राइट right? ओके okay, डोमेन क्या है एक सेट ऑफ वैल्यूज है वो कॉलम उन पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज से ही अपनी वैल्यूज को लेता है ठीक है यहाँ पे लिखे ना दोमेन इज पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन अ गिवन कॉलम ड्रॉन मतलब इससे लेता है ठीक है तो जितने भी इसके अंदर कॉलम्स होते हैं उनका एक डोमेन होता है और वो क्या करते हैं अपने पर्टिकुलर डोमेन से ही वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वैल्यूज को लेते हैं तो आई का डोमेन होगा वो आई जो भी वैल्यूज होंगी वहां से वैल्यूज लेगा नेम का डोमेन होगा वो नेम जो भी वैल्यूज होंगी उस पर्टिकुलर सेट में वहां से वैल्यू लेगा क्लास अपने पर्टिकुलर डोमेन से वैल्यू लेगा ओके तो ये डोमेन क्या है पूल ऑफ़ वैल्यू इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज डेट एन एट्रीब्यूट मे कंटेन और इसके अंदर वो सारी वैल्यूज होती हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड को चाहिए फाइन फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन टेबल स्टूडेंट डोमेन फॉर द जें डोमेन फॉर द फील्ड जेंडर कंटेन्स टू वैल्यूज अब देखो जेंडर के अंदर का डोमेन है सिर्फ दो ही वैल्यू यहाँ पे कंटेन कर रहा है फीमेल और मेल ठीक है बिकॉज मेल एंड फीमेल आर द टू पॉसिबल वैल्यूज दैट इट में कंटेन क्योंकि जेंडर फील्ड में इस ये दो ही वैल्यूज क्या है इसको दो ही वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है फीमेल एंड मेल की तो जो इसका डोमेन है वो दो ही वैल्यू को कंटेन कर रहा है मेल एंड फीमेल फाइन समझ आ गया डोमेन क्या होता है डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस इट्स वैल्यूज फाइन नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेशन जो हमने अभी किया है क्या होता है रिलेशन रिलेशन इज द टेबल इन विच डेटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओके रिलेशन क्या है टेबल है जिसमें हम डेटा को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं ओके इन द गिवन स्टूडेंट रिलेशन यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन है देर आर फोर टपल्स ओके फोर टपल्स हैं मतलब फोर रोज हैं इसलिए कार्डिनेलिटी भी क्या है फोर है ठीक है कार्डिनेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन

Right, and why we called it relation because in relational database, all the tables are related to each other. Now we have database keys. ओके कीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ठीक है कीज़ क्या है कीज़ क्या होते हैं कॉलम्स होते, होते हैं फील्ड्स होते हैं ठीक है और ये रिलेशनल डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं दे आर यूज टू स्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स रिलेशनल डेटा की क्रेटिस्टिक्स क्या है इसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है तो जो ये रिलेशन स्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो किसका काम वो, वो कौन करता है वो कीज करती हैं राइट right? ओके okay, देखो यहाँ पे दिया रिलेशन बिटवीन और मोर टेबल्स देखते हैं कि कौन कौन सी कीज हम रिलेशनल डेटा बेस में यूज करते हैं फाइन ओके सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी की सबसे पहले जो हमारी की है वो है प्राइमरी की ठीक है अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स डेट कैन यूनिकली आईडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन ओके तो प्राइमरी की वो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं जो क्या करते हैं टेबल की रिकॉर्ड्स को टेबल की टप्पल्स को आइडे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है एक दूसरे से अलग करते हैं ठीक है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आई डी इज द प्राइमरी इन स्टूडेंट रिलेशन तो ये क्या कह रहा है देखो एग्जाम्पल स्टूडेंट आई क्या है प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में ठीक है अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हमारी क्लास जैसे हम क्लास होती है क्लास के अंदर इट इज़ क्वाइट ऑफ फन कि दो स्टूडेंट या जो थ्री uh, स्टूडेंट्स हो उनका नेम सेम हो ओके बट हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटेड दे आर डिफरेंशिएटेड बाई द रोल नंबर ठीक है हम उनको कैसे कैसे अलग पहचान पहचानते हैं उनके रोल नंबर से बिकॉज रोल नंबर क्या होता है टू स्टूडेंट्स का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा ओके okay? तो जब अगर टीचर उनका उनसे रिलेटेड कोई टेबल बनाती है डेटा स्टोर करती है तो वो क्या करेगी रोल नंबर की बेसिस पर आ, उनको उनका डिटेल्स स्टोर करेगी राइट तो यहाँ पे रोल नंबर क्या बन जाएगा रोल नंबर वाला कॉलम क्या बन जाएगा वो प्राइमरी की बन जाएगा ठीक है प्राइमरी की क्या होता है वो कॉलम होता है और आप कह सकते हो वो फील्ड होता है वो एट्रीब्यूट होता है ठीक है जिसके अंदर यूनिक डेटा स्टोर होता है फाइन और उस यूनिक डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं रोज को एक दूसरे से और रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइन ओके okay? तो यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया है प्राइमरी की ठीक है ये स्टूडेंट आईडी में क्या है यूनिक डेटा है ओके okay. और इसकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से अलग कर सकते हैं राइट right? फीचर्स ऑफ प्राइमरी की प्राइमरी की के क्या फीचर्स होते हैं आपको ये तो समझ आ गया ना प्राइम की की का मतलब क्या है कॉलम है फील्ड है ठीक है ओके तो प्राइमरी uh, की के क्या फीचर्स हैं जिस फील्ड uh, को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए राइट अब प्राइमरी की डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट और रिडंडेंट वैल्यू ठीक है प्राइमरी की जो कॉलम हम प्राइमरी की बना रहे हैं ठीक है थीके? उसके अंदर कोई भी ठीक है कोई भी फील्ड uh, कोई भी पर्टिकुलर uh, उसका जो सेल uh, है राइट right? वो क्या हो डुप्लीकेट uh, कंटेन नहीं करता प्राइमरी की ये होती है कि key, जो भी कॉलम आप प्राइमरी की बना रहे हो उसके अंदर आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हो ठीक है अगर रोल नंबर ही सेम सेम हो गए तो क्या होगा वो रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकती अगर दो बच्चों का रोल नंबर वन हो गया या दो बच्चों का रोल नंबर टू हो गया तो क्या हो गया uh, आप उनके रिकॉर्ड्स को ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते तो इसकी क्या करेटरिस्टिक्स है प्राइमरी की के अंदर आप डुप्लीकेट डेटा या रिडेंडेंट वैल्यू रिडेंडेंट क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यूज रिडेंडेंट वैल्यूज नहीं डाल सकते प्राइमरी की इसको कंटेन नहीं करती है ठीक है जो फील्ड प्राइमरी की बनता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की इन एनी टपल कैन नॉट बी नल ठीक है अब नेक्स्ट इसका क्या है प्राइमरी की प्राइमरी की के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती मतलब आप उसके किसी भी सेल को वैकेंट नहीं छोड़ सकते किसी भी वैल्यू को आप जीरो नहीं बना सकते राइट ओके ओके वेन अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन प्राइमरी की ओके आप एक से ज्यादा कॉलम्स को भी क्या बना सकते हो प्राइमरी की बना सकते हो ठीक है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स कंबाइन होकर प्राइमरी की बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन्कैटिनेटेड प्राइमरी की ओके तो प्राइमरी की कौन सा कॉलम है वो कॉलम है वो फील्ड है जिसके अंदर यूनिक डेटा होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होती ओके okay? और जो हेल्प करता है टेबल के रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में ओके okay? और जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की या कॉन प्राइमरी की कहते हैं राइट नेक्स्ट वी अ प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की ओके okay. अब कैंडिडेट कीज़ क्या होती है कैंडिडेट कीज़ वो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है मतलब वो प्राइमरी की बन सकते हैं क्योंकि एज दी पॉजेस ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की की सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ठीक है जो प्राइमरी की क्राइटिस क्या होती है उसके अंदर डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा ना हो नल वैल्यूज ना हो राइट तो जितने भी कॉलम्स के अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं राइट अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आई रोल नंबर एंड ई मेल आर थ्री कैंडिडेट की तो यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं और थ्री और यू कैन से थ्री एटीब्यूट हैं जिनमें से जि, जिनमें से जिन जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है स्टूडेंट आईडी के अंदर भी यूनिक डेटा है और वो नल वैल्यूज नहीं है रोल रोल नंबर के अंदर भी यूनिक डेटा है नल वैल्यूज नहीं है ईमेल e के अंदर भी यूनिक डेटा है और नल वैल्यूज नहीं है राइट right? तो इन तीनों फील्ड्स के अंदर क्या है प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है इसलिए हम इन तीनों फील्ड्स को क्या आ, कहते हैं कैंडिडेट की ये तीनों क्या है प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट है फाइन ओके देखो इन स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आईडी रोल नंबर एंड ईमेल आर थ्री कैंडिडेट कीज आउट ऑफ देम स्टूडेंट आईडी बिकेम प्राइमरी की तो हमारे पास थ्री कैंडिडेट थे तो उसमें से हमने वन चूज करके प्राइमरी की बना दिया एंड दैट इज स्टूडेंट आईडी कॉलम ठीक है ओके इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज द डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड्स वन ऑफ देम एज अ प्राइमरी की फॉर द रिलेशन जब एक से ज्यादा कीज के अंदर जब हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट होती हैं, ओके? तो इस केस में डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड करता है कि कौन सी, कौन सी कॉलम को या ग्रुप ऑफ कॉलम को प्राइमरी की बनाना है फाइन तो आपको समझ आ गया कैंडिडेट कीज कौन सी होती है कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स होते हैं वो एटीट्यूट होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइन कैंडिडेट की विच इज नॉट चूजन कीट की ओके तो अभी हमने देखा था कैंडिडेट कीज कौन सी होती है जो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल होती है ठीक है तो आउट ऑफ कैंडिडेट कीज वन इज चूज एज प्राइमरी की जितनी भी कैंडिडेट कीज थी उनमें से हमने एक को या एक से ज्यादा के ग्रुप को क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया ओके okay? तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज बनी बच गई हैं जो रह गई हैं ठीक है वो अब क्या बन जाएंगी अल्टरनेट कीज बन जाएंगी जैसे हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी स्टूडेंट आई रोल नंबर और ई राइट right. उसमें से आपने स्टूडेंट आईडी को बना दिया स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की ठीक है स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की तो अब हमारे पास दो कैंडिडेट्स बच गए रोल नंबर और ईमेल ओके okay? तो अब रोल नंबर और ईमेल क्या बन गए हैं ये दोनों बन गए अल्टरनेट की ठीक है हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज़ थी जिसमें से एक को हमने चूज कर दिया प्राइमरी की तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज़ बच गए गए जो रह गए, उनको अब हम क्या बोलेंगे अल्टरनेट कीज समझ आया ठीक है कैंडिडेट कीज में से आपने प्राइम प्राइमरी की को माइनस कर दिया तो आपके पास बच गया अल्टरनेट की स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आई डी रोल नंबर

प्राइमरी की को चूज कर लिया जाता है तो जो बाकी बची हुई कैंडिडेट कीज होती हैं उनको वो क्या बन जाती हैं वो बन जाती हैं अल्टरनेट कीज ओके नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की ओके नो व्हाट इज फॉरेन की अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नॉन एज फॉरेन की इन इट्स टेबल फॉरेन की क्या होती है फॉरेन की वो कॉलम होता है जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं समझ आया फॉरेन की वो कॉलम है वो फील्ड है ठीक है वो एट्रीब्यूट है जिसका डेटा जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं इस टेबल के अंदर ये क्या है प्राइमरी uh, की नहीं है ठीक है बट हम इसका जो डेटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं ओके तो इस करेंट टेबल के अंदर इसको हमने क्या नेम दे दिया फॉरन की फॉरन की कौन सी की होती है दैट एक्सेस दैट टेक्स इज डेटा फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल ओके, okay. एक टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट की नहीं है ठीक है लेकिन दूसरे टेबल में वो क्या है प्राइमरी की है फाइन उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेन की ओके सिंपल वर्ड्स में आप समझो ऐसा ऐसा फील्ड ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज किसी और टेबल के प्राइमरी की से क्या हो रही है एक्सेस हो रही है ड्राइव हो रही है तो उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे फॉरेन की बोलेंगे ठीक है यह स्टूडेंट आईडी डी एट्रीब्यूट ऑफ टेबल डिपार्टमेंट इज द फॉरेन की ठीक है तो स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल का क्या है फॉरेन की सिंस इट्स वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल स्टूडेंट इसको फॉरन की हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की से फाइन अ टेबल विच कंटेन्स प्राइमरी की टेबल और मास्टर टेबल ठीक है जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं ओके okay? और मास्टर टेबल भी आ, कह सकते हैं राइट एंड टेबल विच कंटेन्स फॉरन की इज कॉल फॉरन टेबल और डिटेल टेबल और जिस टेबल के अंदर फॉरन की होते हैं फॉरन की होती है उसे आप फॉरिन टेबल भी बोल सकते हो और डिटेल टेबल भी बोल सकते हो ओके okay? समझ आया तो फॉरेन की क्या है फॉरेन की वो फील्ड है वो कॉलम है जिसका डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है कहाँ से ड्राइव हो रहा है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है राइट right? ओके okay? तो इसके अंदर एक एक और कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आता है मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स जब हम ऐसे फॉरेन की बनाते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं कि प्राइमरी की और जो फॉरेन जो प्राइमरी टेबल होती है और फॉरेन टेबल होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है पेन दे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं फाइन सो वी विल डू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लेटर ऑन अभी आप सिर्फ इतना समझो कि फॉर्न की क्या होती है फॉर्न की वो कॉलम है जिसका डेटा किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है राइट ओके फाइन ओके एवरीवन इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू